डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोटीन क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो फोर्थ सेमेस्टर में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए SBTE द्वारा प्रीवियस में पूछे गए मेजरमेंट के क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसके एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम लोग जैसा कि आपको बताते चले कि पहले यह सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर में आता था और उस सब्जेक्ट का नाम था मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल के भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब केवल मेट्रोलॉजी रह गया है, मेट्रोलॉजी बोले या मेजरमेंट बोले, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर MQC यानी मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल हुआ कर रहा था। तो इस वीडियो में हम लोग 3 ईयर्स यानी 2020, 2019 और 2017 में जो मेजरमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल उसी के एनालिसिस करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल के क्वेश्चन को छोड़ देंगे और मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरा हो जाएगा, जिसके लिए अध्ययन करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबका एनालिसिस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम है कि 2020, इसके बाद 2019, उसके बाद 2017, तीन बार के क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन है। 60 में कुछ क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल के है जिसको छोड़ देंगे और मेजरमेंट के जितने भी क्वेश्चन है सबका एनालिसिस हम लोग कर लेंगे इस लेक्चर में। लगभग आधे घंटे का यह वीडियो होगा और इस आधे घंटे के वीडियो में आप अच्छे से अच्छे नॉलेज को पा सकते हैं, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग कंपैरेटर इज हैविंग मूविंग स्केल, किस कंपैरेटर के पास मूविंग स्केल होता है। तो कंपैरेटर बहुत प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर, लेकिन मूविंग पार्ट वाला कंपैरेटर का नाम क्या है, मैकेनिकल कंपैरेटर, यानी आपके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इफ द साइज ऑफ होल इज गिवेन एज 16 के साथ टॉलरेंस दिया हुआ है, देन द टॉलरेंस ऑफ द होल, टॉलरेंस क्या होता है। तो टॉलरेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 60 में जोड़ दीजिए 60.04, लोअर लिमिट कितने है 60 में घटा लीजिए 59.97, यानी 0.07 mm का टॉलरेंस है, यानी आपके ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट, कोई डाउट है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस। याद होगा हम किस इंस्ट्रूमेंट से एक ही चीज को बार बार माप रहे हैं और वो बार बार रिपीट कर रहा है, इस गुण का नाम था प्रिसीजन, क्या नाम था प्रिसीजन, और इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं प्रेशराइज्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होल हुज लोअर डेविएशन इज जीरो इज कॉल्ड क्या, होल बेसिस। याद कीजिएगा दो को पढ़ाया गया था, एक होल बेसिस सिस्टम और एक शाफ्ट बेसिस सिस्टम।
होल बेसिस सिस्टम में लोअर डेविएशन जीरो होते हैं और साफ बेसिस सिस्टम में अपर डेविएशन जीरो होते हैं। तो बोला है कि एक होल जिसका लोअर डेविएशन जीरो होता है उसको बेसिक होल बोला जाता है। बोला कि फॉलोइंग लेटर से डोट किया जाता है उसको एस से डोट करते हैं। बाबू जैसे डोट करते हैं एस से, याद करके रखेगा होल बेसिस सिस्टम का लोअर डेविएशन क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम कौन सिस्ट 16 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टॉलरेंस आपको चैप्टर भी पढ़ना था कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर 16 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन है जिसको हम छोड़ते हैं। ये चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रफनेस से, फॉर जनरल पर्पस द रफनेस वैल्यू आर ग्रेडेड इनटू 12 ग्रेड डिजाइन एज N1 से लेकर N12 तक। यानी जनरल सिस्टम के अंदर रफनेस का डिजाइन किया गया है ग्रेड में और उस ग्रेड का नाम N1 N2 N3 करते करते N12 तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपोनेंट नेट ऑफ द सरफेस टेक्सचर अपॉन विच रफनेस इज सुपरपोज्ड इज नोन एज वेटनेस। क्या याद करना है सरफेस टेक्सचर का वह कंपोनेंट जो रफनेस को सुपरपोज्ड करता है उसका नाम क्या होता है, वेटनेस। ये तो बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन। कैलिनोमीटर इज यूज फॉर मेजर एंगल, कैलिनोमीटर के यूज कहां पे करते हैं, एंगल को मापने के लिए। ये क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन है। ये वाला देखिए ऑन ए ट्रिपल थ्रेड स्क्रू, यानी ट्रिपल थ्रेड स्क्रू के अंदर डबल भी हो सकते थे लेकिन यहां पर क्या पूछा ट्रिपल में लीड बराबर क्या होता है, तो 3 × पिच, 3 × पिच, अगर डबल आता तो 2 × पिच होता, अगर सिंगल स्टार्ट आता है लीड इक्वल टू पिच होता है। ये क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन है। यहां पे देखिए व्हिच प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर डिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर के अंदर किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो ऑक्सीलेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आप लोग इस चीज को एक बार देख लीजिए, लाइफ में हमेशा कभी नहीं भूलिएगा और एग्जाम में बहुत चांसेस रहते हैं जो SPT का प्रीवियस ईयर का एक्चुअल क्वेश्चन है उसके पूछे जाने के। क्वेश्चन बैंक में आपको एक्चुअल क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करके एक्चुअल क्वेश्चन लाए हैं। आप चाहते हैं कि इस प्रकार के एक्चुअल क्वेश्चन का वीडियो देखना तो मेरे चैनल को विजिट करते रहिएगा, अगले बार हम लोग टॉम सॉम सबका क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए फिर एक क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिटरमाइंड बाय द फंक्शन टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, नॉइज लेवल आता है लेकिन यह क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन का है, फिर भी ध्यान दे लीजिए कि सिंपली इंस्पेक्शन निरीक्षण से नॉइज का लेवल हम लोग पता नहीं कर सकते कि कितना नॉइज का लेवल है। क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन है, क्वालिटी कंट्रोल है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ गया, द इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट, दो मेटिंग पार्ट के बीच के
जो गैप होते हैं उसको पता लगाने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? फिलर गेज। इसका इस्तेमाल किया जाता है बाबू, फिलर गेज का। क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन था, यानी हम लोग 2019-20 के जो क्वेश्चन थे उसके एनालिसिस कर चुके हैं। फिर एक नंबर से आ गया, इसका मतलब 2019 का क्वेश्चन आ गया। ये किस कब का पूछा गया है? 2019 में, यानी एक बार हम लोग 3 साल में जितने भी मेजरमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका अध्ययन करते चल रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट है, यानी बहुत ही अच्छे तरीका से बनाया गया आपके लिए कि जितने भी SVT ने क्वेश्चन पूछ लिए हैं मेजरमेंट के वो सारे चीज हम पढ़ते चले। पहला क्वेश्चन है, फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस ऑफ सरफेस इज मेजर्ड बाय ऑप्टोकोलिमेटर। ऑप्टोकोलिमेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग स्ट्रेटनेस या फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेट्रोलॉजी का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ अ टूथ या जो थ्रेड वाला पोर्शन होते हैं, अगर जो टूथ है सही से एक दूसरे से मीट नहीं कर पा रहा है, इम्प्रॉपर तरीका से अलाइन कर रहा है तो क्या होगा? ये ऑप्शन आपके सही है, लीड विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंटली, यानी उसके जो लीड है वह बराबर बराबर स्पेस से अलग नहीं हो रहे हैं। ये आपके सही है सर। डन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। जो क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन है उसको छोड़ के चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस के मापने के लिए क्या चीज इसमें से सही है? थ्री डायमेंशन जनरली कैन बी इजिली मेजर, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट इज पैरेलल टू ले, कभी नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट इज परपेंडिकुलर टू ले, ये सही है। अभी बताएं कि सरफेस रफनेस या टेक्सचर के अंदर जो ले का डायरेक्शन होता है वो मेजरमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया जाता है। ये क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कैलिनोमीटर ये यूज फॉर, अभी तो देखे थे ना, कैलिनोमीटर का इस्तेमाल कब किया जाता है? एंगल को मेजर करने के लिए। कैलिनोमीटर का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? एंगल को मापने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजरिंग टिप ऑफ कंपैरेटर फॉर जनरल यूज शुड बी, एंड जो कंपैरेटर बने होते हैं उसका मेजरिंग टिप किसके लिए, किस शेप का बना होता है? तो हमेशा स्पेरिकल शेप का बना होता है ताकि फ्रिक्शन कम लगे और रीडिंग मेरा अच्छा आए, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा तो एक्यूरेसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर दूसरा फ्लैट बना देंगे तो फ्रिक्शन के कारण ही बहुत सारे एक्यूरेसी बर्बाद हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी गया है, द यूज ऑफ प्लग गेज इज मेजर,
हम बताया थे कि रिंग गेज और प्लग गेज, रिंग गेज का इस्तेमाल हम लोग शाफ्ट के डायमीटर को मापने के लिए करते हैं, जबकि प्लग गेज का इस्तेमाल हम लोग होल के अंदर, यानी किसी शाफ्ट के अंदर का होल कटा हुआ है तो होल के डायमीटर को मापने के लिए करते हैं, यानी सिलेंड्रिकल बोर्स, होल कटा होता है जिसको हम लोग बोर्स भी बोलते हैं, स्फेरिकल होल नहीं होगा। ये चीज देखिए, मेजिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, द आउटपुट स्टेज ऑफ जनरलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम में कंप्राइज, यानी जो आउटपुट सिस्टम होते हैं उसमें क्या क्या चीज रहते हैं। तो आउटपुट सिस्टम में एक डायल रहता है जो रीडिंग देता है, पॉइंटर आता है, यही सब होता है ना, रीडिंग यूनिट होता है, आप उसको वो इंडिकेटिंग वाला डिवाइस आता है या रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है। यानी आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि आउटपुट जो स्टेज होता है मशीन का उसमें इंडिकेटिंग दिखाता है, जो पॉइंटर होता है डिक्लेयर करके आपको रीडिंग बताता है, ये चीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पर्पस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपके चैप्टर या इंस्ट्रूमेंट सब, यानी इंस्ट्रूमेंट का मेन पर्पस क्या है, सिग्नल को चेंज करना क्या, कभी नहीं, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रूमेंट का मेन काम होता है मेजर द मेजरमेंट डायमेंशन, जिस डायमेंशन को मापना है उसको माप के देना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट होंगे। इन द होल बेसिस सिस्टम, बेस साइज इज इक्वल टू, हम बता सकते होल बेसिस सिस्टम में लोअर डेविएशन जीरो होता है, लोअर डेविएशन जीरो होता है, जबकि शाफ्ट बेसिस सिस्टम में अपर डेविएशन जीरो होता है। एकदम लिखाए थे, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, एसटी क्या बोला कि होल बेसिस सिस्टम बेस साइज इक्वल टू लोअर डेविएशन इज जीरो। ये क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन, मेजरमेंट का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर टेस्ट द स्ट्रेटनेस ऑफ बेड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ लॉन्ग बेड, स्पिरिट लेवल, किसका स्पिरिट लेवल का यूज किया जाता है कि किसी भी फ्लैट सरफेस को मापना है लेकिन बेड के किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो उसको डायमेंशन द्वारा डिनोट किया गया है, 18.3 अपर लिमिट जीरो है, लोअर लिमिट जीरो माइनस 0.02 है। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा टॉलरेंस होगा, इन लैटरल होगा कि बाइलेटरल होगा, लड़का से देखेगा दोनों साइड दिया है बाइलेटरल मार देगा, कभी नहीं होगा क्योंकि अपर डेविएशन जीरो है, इसलिए इसके पास कौन सा टॉलरेंस होगा, यूनिलैटरल टॉलरेंस होंगे, आपके ऑप्शन ए सही है। ये सब क्वालिटी कंट्रोल के क्वेश्चन है। साइन बार इज क्या लिखा हुआ है, साइन बार को कोणीय माप के लिए नहीं किया जा सकता है, यानी आप जानते हैं कि किसके लिए नहीं किया जा सकता है, साइन बार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग 45 डिग्री से ज्यादा के एंगल को मापने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए, ये 74 डिग्री है, कभी 74 डिग्री मेजर होगा क्या, नहीं होगा, यानी 30 डिग्री माप सकते हैं, 25 माप सकते हैं, 45 माप सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके क्या है, सही है इस क्वेश्चन के अनुसार। इसी का उल्टा पूछ लेता है कि कौन किसको मापा जा सकता है, ऑप्शन दे देगा 4 को 5 को 45 डिग्री से ज्यादा वाला। चलिए तो अभी हम लोग एनालिसिस किए 2020 और 2019, एक साल का और मेरे पास क्वेश्चन है 2017 का, जिसको तीनों का एनालिसिस करके हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, ताकि मेजरमेंट के मैक्सिमम चांस है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के, क्योंकि एसबीटी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन डालते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ से देखिए, ये 2017 में एसबीटी के द्वारा पूछा गया, हम बार बार बता रहे हैं कि पहले जो सब्जेक्ट था उसका नाम था मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, और 2017 में फोर्थ सेमेस्टर में पूछा जाता था, लेकिन 18 के बाद यह फिफ्थ सेमेस्टर में चला गया था और फिर से फोर्थ सेमेस्टर में आ गया है,
और इस सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया है, क्वालिटी कंट्रोल हटा दिया है और क्वालिटी कंट्रोल का कंटेंट भी हटा दिया है, केवल मेट्रोलॉजी यानी मेजरमेंट के बारे में रख दिया है। पहले 80 मार्क्स एग्जाम होता था, 26 मार्क्स पास थे, अब 70 नंबर के एग्जाम होते हैं, 28 नंबर पास रहते हैं। पहले का जो एग्जामिनेशन है देख लीजिए, 4 अंक और 8 अंक के पूछे जाते थे, यानी मेरे पास ऑलरेडी पहले का क्वेश्चन सब है जिस क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोग, यही मेरा पेपर था। पहला मेट्रोलॉजी का है, मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ भी साइन बार है, साइन बार यूज टू मेजर स्क्वायर एंगल अप टू, अभी वही क्वेश्चन है, लेस देन 45 डिग्री, मोर देन 45 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, 45 डिग्री से कम कम अपने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं साइन बार का। आ रहा है मजा ना, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर सबसे ज्यादा अच्छे एक्यूरेसी से मेजर करके देता है, ये सब एसबीटी का बीबीआई क्वेश्चन है, सी चार्ट, एएलक्यू, क्वालिटी कंट्रोल, स्लिप गेज, स्लिप गेज का एक्यूरेसी के अनुसार कितने ग्रेड में बांटा गया है, तो 5 ग्रेड याद करके रखना है, कितने ग्रेड में बांटा गया है, 5 ग्रेड के अंदर, स्लिप गेज को एक्यूरेसी के अनुसार कितने ग्रेड में बांटा गया है, 5 ग्रेड। ये चीज तो आप पढ़ के आ रहे हो, नो गो गेज का इस्तेमाल, तो याद होगा नो गो गेज मिनिमम मटेरियल कंडीशन, नो के लिए किसके लिए मिनिमम, और सीधे गो गेज रहता तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, ये चीज पढ़ा के आए हैं, तो मिनिमम लिमिट ऑफ पिच डायमीटर नो है इसलिए मिनिमम। बायलेटरल टॉलरेंस, एक क्वेश्चन है, ए प्लेन कैलिपर गेज यूज टू चेक द टॉलरेंस ऑन, देखिए प्लेन कैलिपर का इस्तेमाल हम लोग सबसे अधिक डायमीटर को यानी अधिकतम डायमीटर जिसको मेजर डायमीटर बोला जाता है उसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन बरमान हमेशा आते हैं, एलिमेंट ऑफ द इंडिकेटिंग डिवाइस कैरिंग ऑन द स्केल इज डायल पे, ये जो बना होता है डायल इंडिकेटर इसी पर ना इंडिकेटिंग डिवाइस लगा होता है। बेसिक होल इज वन हुज लोअर डेविएशन इज जीरो, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, होल बेसिस सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम से आ सकते हैं जिसका अपर डेविएशन जीरो होते हैं, तो बेसिक होल उसको बोला जाता है जिसका लोअर डेविएशन क्या होते हैं जीरो होते हैं। अब देखिए इन द इंटरफेरेंस फिट एलवांस नेगेटिव एलवांस होते हैं, लेकिन यही क्लियरेंस फिट रहता तो क्या होता पॉजिटिव एलवांस होता। क्या करना है, अगर क्लियरेंस फिट होता तो पॉजिटिव एलवांस और इंटरफेरेंस फिट है तो नेगेटिव एलवांस, सारे टॉपिक आपके सिलेबस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर डेप्थ गेज यूज टू मेजर, कोई भी चीज का डेप्थ मापेगा, डेप्थ ऑफ होल भी मापेगा, डेप्थ ऑफ स्लॉट मापेगा, रेसेस का भी डेप्थ को पता कर लेगा। ए शाफ्ट H7 एंड होल K6 विल बी कौन सा फिट होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा फिट होगा, H7 यानी शाफ्ट का साइज 7 है और होल का साइज 100 है, तो ये लूज फिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल माइक्रोमीटर, अभी आया था ऑप्टिकल माइक्रोमीटर बहुत ही एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, ऑप्टिकल माइक्रोमीटर यूज टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सरफेस रफनेस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, काफी एक्यूरेसी के साथ थोड़ा भी वेरिएशन होगा उसको दिखा देगा, इसलिए इसका नाम हम सरफेस रफनेस को मापने के लिए करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इन स्पेसिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर किसके आधार पर वर्नियर कैलिपर को क्लासिफाई किया जाता है, इसके एक्यूरेसी के आधार पर, जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगा उतना ही ज्यादा अलग अलग नाम दिया गया, 0.02 mm का एक्यूरेसी, 0.05 mm का एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी के आधार पर इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है वर्नियर कैलिपर का, किसमें, IS स्पेसिफिकेशन के अंदर। यानी आज हम लोग प्रीवियस 3 ईयर के अंदर 2019, 2020 और 2017 के अंदर पूछे गए मेजरमेंट के क्वेश्चन के एनालिसिस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हो सकते हैं तो 2013, 14, 15 में पूछे गए मेजरमेंट के क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे, उसके बाद टॉम सॉम सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।